वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन को नए भारत के नए संस्कार की तामीर में अहम किरदार अदा करने वाली ताकत बताते हुए कहा कि अब वो बाइख्तियारी के नए पड़ाव पर पहुंच गई हैं। आलम यौम ख़वातीन के मौके पर बड़ालालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकल में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत के जरिए किए गए दो तरफा कोशिशों का नतीजा अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। शहरी और देही इलाकों में माँ को एक नई शिनाख्त मिली है। बेटियाँ फाइटर जेट से लेकर समंदर के साहिल पर दिफाई शोबे में तेजी से अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही है। उन्होंने आलम यौम ख़वातीन को फख्र का दिन बताते हुए कहा कि आज वाराणसी की बाबत पूर्व वाक़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मध्य प्रदेश में एक ट्रेन के चलाने की पूरी जिम्मेदारी ख़वातीन ने संभाली है। इससे पहले भी कई मौके पर ख़वातीन ने इसी तरह से अपनी ताकत व सलाहियत का मुजाहरा किया है। मोदी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुआशी तालीमी समाजी और कानूनी समेत हर पहलू पर ध्यान में रखते हुए उनकी हुकूमत ने मुतअद्दिद मुहिम चलाई है। शहरी और देही इलाकों की ख़वातीन को अपनी मदद आप टीम से मुआशी तौर से मजबूत बनाने की कोशिश में कई कदम उठाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से लड़कियों के तालीम के तहत काफी बेदारी आई है और अब हर कोई तालीम की अहमियत को समझने के साथ ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर से भी ख़वातीन को तरजीह दी गई है। सरकारी स्कीमों में उन्हें अवलीन तरजीह दी जा रही है। उनके नाम पर मकान और दीगर असासों की रजिस्ट्री को तरजीह देने की तजवीज़ को मंजूरी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए शरपसंद व समाज दुश्मन अनासिर को फांसी देने की तजवीज़ को कानून में जगह दी गई है।